या एक हफ्ते में वृद्धि नोट की गई है। मुंबई सबर्बन हो, गुड़गांव हो, अहमदाबाद हो या नासिक हो, इन सभी जिलों में भी एक राइजिंग ट्रेंड इन केसेज नोट किया जा रहा है। हम इन स्टेट से संपर्क किए हुए हैं और रिक्वायर्ड एडवाइस इन टर्म्स ऑफ कि क्या एक्शन लिया जाए फील्ड पर कि इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोका जाए, उस पर कार्य किया जा रहा है। यहाँ जब हम देश की परिस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, आज जरूरी है कि हम ग्लोबल परिस्थिति को भी समझें और उसमें हम आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे कि आज पूरी दुनिया में करीब 2,68,00,000 के करीब एक्टिव केसेज हैं और ऑन एन एवरेज पिछले एक हफ्ते में 10,00,000 से अधिक केसेज पूरी दुनिया में नोट किए जा रहे हैं। और उसमें भी सबसे मुख्य इशू यह है कि अगर आप देखें कि जो सर्जेज पूरी दुनिया में नोट की गई हैं, तो जहां एक समय सर्ज में 8,92,000 के करीब केसेस थे, जो कि हमने जनवरी 2021 में नोट किया, इसी तरह अप्रैल के माह में 9,00,000 के करीब केसेस एक सर्ज के रूप में नोट किया गया और 6 अगस्त के समय पर जहां 8,20,000 के करीब केसेस ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पर रिपोर्ट होते थे, उनको नोट किया गया। तो अगर पिछले 24 घंटों का डेटा हम वर्ल्ड लेवल पर एनालाइज करें तो एक एरिया ऑफ कंसर्न इमर्ज होकर आता है कि करीब 17,17,482 केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं। और इसको फर्दर अगर हम डिटेल में एनालाइज करें तो देखते हैं कि जिसमें 4 देश ऐसे हैं जो कि अराउंड 58% ऑफ जो दुनिया के सारे कोविड केसेस आ रहे हैं पिछले हफ्ते में, वो उन 4 देशों से आ रहे हैं, जिसमें मुख्यतः यूनाइटेड स्टेट्स से अराउंड 28.8%, यूके से 12.5%, फ्रांस से 10.1% और स्पेन से 6.7%। यहाँ मुख्य विषय यह है कि नॉट ओनली यही कंट्रीज हैं, ओवरऑल हर कॉन्टिनेंट में कई कंट्रीज के अंदर एक राइजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया जा रहा है। जैसे अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा एनालाइज करें तो देखते हैं कि जहां 1,21,000 केसेस एक हफ्ते में आ रहे थे, वह 4 हफ्ते होते होते 3,00,000 के करीब पहुंच गया है। और जो एक मुख्य विषय है कि अगर हम पिछले 24 घंटे का यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि वहां पर 5,12,000 केसेस प्रतिरोज की संख्या से रिपोर्ट किए गए हैं। यूनाइटेड किंगडम में भी अप्रॉक्सीमेटली 2.7 times इंक्रीज इन केसेस, और हम देखें कि ऑन एन एवरेज 1,30,000 के करीब केसेस पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए। और पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो फर्दर एरिया ऑफ कंसर्न इज कि वहां पर 3,19,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह फ्रांस में भी केसेस 2.25 times बढ़े हैं पिछले एक महीने के अंदर और 2,00,000 से अधिक केसेस पिछले 24 घंटे में फ्रांस में नोट किए गए हैं। इसी तरह अगर हम स्पेन का डेटा देखें तो पाते हैं कि वहां पर 6.7 times इंक्रीज इन केसेस पिछले एक महीने में नोट किया गया है और ओवरऑल 69,000 केसेस इस पर्टिकुलर कंट्री में नोट किए जा रहे हैं। यह विषय हम आप सबके सामने इसलिए लाना चाहते हैं कि जिस तरह से वायरस का इन्फेक्शन का स्प्रेड हम पूरी दुनिया में नोट कर रहे हैं, जरूरी है कि इंडिया जो अभी तक हमारी सिचुएशन है उसको समझते हुए हमें फील्ड लेवल पर क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने हैं, हमें इन्फेक्शन स्प्रेड को कैसे रोकना है, उस पर हमें कंटिन्यूड मिशन मोड पर कार्य करने की जरूरत है। इसी तरीके से हम सबको पता है कि पिछले कुछ एक माह से हमारे सामने नए चैलेंज के रूप में एक न्यू वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन भी डिटेक्ट किया गया है, जिसकी अगर ओवरऑल दुनिया की परिस्थिति देखें तो एक माह के अंदर ही करीब 121 देशों में 3,30,000 से अधिक ओमिक्रॉन के केसेस नोट किए गए हैं और टोटल 59 डेथ्स अब तक रिपोर्ट की गई हैं, जिसमें से मुख्यतः डेथ करीब 53 डेथ यूनाइटेड किंगडम, 1 यूनाइटेड स्टेट्स, 4 जर्मनी और 1 ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्ट की गई है। और अधिक केसेस की संख्या को अगर हम एनालाइज करें तो पाते कि अधिकतम केसेस यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, नॉर्वे और कनाडा में पाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही एक और एरिया ऑफ कंसर्न हम आप लोगों के सामने दिखाएंगे। इसमें यहाँ देखते हैं तो हम पाते हैं कि ओमिक्रॉन कई देशों में अब जो भी जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है वहां पर ओमिक्रॉन की परिस्थिति, यानी कि जितने वहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग किए जा रहे हैं उसमें कितने परसेंट सैंपल ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उस डेटा को अगर हम देखें तो पाते हैं कि साउथ अफ्रीका में 96% केसेस ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम में 59%, इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स में 41% और फ्रांस में करीब 11% ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं। और साथ ही हम देखते हैं कि जहां एक तरफ एक पॉजिटिव ट्रेंड के रूप में साउथ अफ्रीका में केसेस में एक सर्ज के बाद फिर से केसेस में कमी नोट की जा रही है, ऐसा लगता है कि केसेस की संख्या में एक विजिबल कमी आई है, लेकिन उसी के साथ ही और दूसरे देश है, जैसे इससे पहले हमने आपको बताया है,
चाहे वो यूके हो, यूएसए हो और फ्रांस हो, वहाँ पर अभी भी एक कंटिन्यूड सर्ज इन केसेस नोट किया जा रहा है। डब्ल्यूएचओ ने ओमिक्रोन के बारे में जो अपना पिछला अपडेट 28 दिसंबर को दिया, उसमें उन्होंने बताया है कि ओमिक्रोन जो वेरिएंट है उसमें पाया जा रहा है कि इट हैज ग्रोथ एडवांटेज ओवर डेल्टा वेरिएंट, और इसका डबलिंग टाइम 2 से 3 दिन है, और साथ ही ये देखा जा रहा है कि यह पर्टिकुलर वेरिएंट अब कई देशों में डोमिनेंट कोविड का वेरिएंट बनके हमारे सामने आ रहा है, जैसे कि हमने इससे पिछली स्लाइड में आपको दिखाया है, यूनाइटेड किंगडम हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, उन देशों में यह बाकी वेरिएंट को रिप्लेस करकर मेजर डोमिनेंट वेरिएंट के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। इसी के साथ ही यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका और डेनमार्क से जो इनिशियल डेटा आया है उससे यह पता लगता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में एक रिड्यूस रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है कंपेयर टू डेल्टा वेरिएंट।